गाइज, हमें ना कुछ चीजें अपनी लाइफ में इस तरह से इग्नोर करनी है ना, अगर आप आगे बढ़ रहे हो, अपने गोल पर प्रॉपर फोकस रखना चाहते हो, तो जितनी भी डिस्ट्रैक्शन आती है ना रास्ते में, आपको उन्हें इस तरह से हैंडल करना है, इस तरह से इग्नोर करना है जैसे हमारी आंखें हमारी ही नाक को इग्नोर करती है। एक प्रोसेस होती है अनकॉन्शियस सेलेक्टिव अटेंशन। इस प्रोसेस के थ्रू हमारी आंखें हमारी ही नाक को नहीं देख पाती। क्यों नहीं देख पाती? क्योंकि हमारी आंखों के बीच में हमारी आंखों का फोकस जहां जा रहा है, अगर हम सीधा देख रहे हैं तो हमारी नाक बीच में अड़ती है। हमारी आंखें नाक को देख तो पाती हैं, मगर अगर हमारा फोकस सामने है फिर हमारा माइंड अपनी ही नाक को इग्नोर कर देता है। ठीक है, यह एक प्रोसेस के थ्रू होता है अनकॉन्शियस सेलेक्टिव अटेंशन। ठीक है, तो इसी तरह हमें अपने माइंड को इस तरह से सेटअप करना है, इस तरह से अपने माइंड को अपने इस तरह से इस टूल का यूज करना है कि अगर कोई डिस्ट्रैक्शन सामने से आ रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये चीज हमें अपने गोल से भटका के छोड़ेगी, तो आपको ये दूसरों को ताने देने से अच्छा है कि उसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, उस चीज की वजह से मेरा ये काम नहीं हो पाया, इससे अच्छा है अपने माइंड को इस तरह सेटअप करो, उस प्रोसेस को फिर से अपनाओ जो हम बचपन से आजमा रहे हैं। हमारे माइंड को बचपन से ही पता है कि हम, क्योंकि हमारी नाक बीच में है, हम आंखों से अपने मैक्सिमम काम तो आंखों से ही करते हैं, तो अगर हमारी आंखों के बीच में नाक, हमारा फोकस यहीं नाक पर ही रहेगा, तो हम बहुत सी चीज़ें मिस कर देंगे और अपने फोकस तक नहीं पहुँच पाएंगे, हम सड़क पर नहीं चल पाएंगे, हम अच्छे से खेल नहीं पाएंगे, अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे अगर नाक बीच में आएगी। तो इसी तरह से हमें अपनी लाइफ में से उन चीज़ों को निकाल कर फेंक देना है, अनकॉन्शियस तरीके से उन चीज़ों को इग्नोर करना है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बस मन में एक थॉट था आपके साथ शेयर कर दिया है, बाकी तो आप लोगों की मर्जी है।